बेटा कौन सा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं लोग? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, सब टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। बचपन में मोल के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन मिला होगा, 9th-10th क्लास में मिला था ना बेटा? तो वन मोल, मोल क्या है बेटा? सिंपल क्वांटिटी यूनिट, जैसे दर्जन। दर्जन बोलने से कितना समझ में आता है बेटा? 12 12 पीस। तो वैसे 1 मोल बोला जाए तो कितने पीस आएंगे? 0.6 सिक्स पॉइंट 6.0। जीरो हाँ, 10 to the power 23, या सिंपलिसिटी के लिए 6 into 10 to the power 23 भी कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है? तो ओके। हम लोग देखे थे फिर फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ मोल फॉर्मूला, ये याद रखना बेटा। क्या था फॉर्मूला? कैलकुलेशन ऑफ मोल। इस फॉर्मूले का यूज आज बहुत ज्यादा होने वाला है, ऑफ मोल। और कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। तो जो लोग आज न्यू हैं या पिछले सैटरडे क्लास में भी न्यू थे, तो उनको फॉर्मूला याद रखना है बेटा। कैसे बना, क्यों बना, उस पर दिमाग कोई नहीं लगाएगा, ठीक है ना? उसके लिए प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो दिख जाएगा वहां पे। तो यहाँ पे उतना कोई दिमाग नहीं लगाएगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है बेटा? मोल को एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वेट गिवन है तो W अपॉन M। M क्या है बेटा? W क्या है? गिवन गेन वेट। वेट हमेशा किस में होगा बेटा? ये ग्राम ग्राम में। ग्राम नहीं हुआ तो ग्राम ग्राम में ही चेंज करना है, ठीक है ना बेटा? और ये किस में होता है? ग्राम पर और मोल। मोर। एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास? एटॉमिक, एटम है तो मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर मास। इसका यूनिट क्या होता है? ग्राम पर ग्राम मोल, पर मोल पर मोल ठीक है ना? तो एक फॉर्मूला था। सेकंड फॉर्मूला क्या बेटा? मोल इक्वल टू वॉल्यूम। इन लीटर, तो किससे डिवाइड करना है हमेशा? अगर वॉल्यूम लीटर में है तो 22.4, 22.4 अगर एमएल में है तो 22,400 हाँ 22,400, मतलब जी। 22,400। क्यों आया, कैसा या है, इस पे दिमाग नहीं लगा रहा, बस याद रखो। अभी सब बता दिए हैं और टाइम मिलेगा तो बता भी देंगे। हाँ, नेक्स्ट था मोल का एक और फॉर्मूला बेटा। जब पार्टिकल का नंबर दिया तो नंबर ऑफ पार्टिकल, अपॉन एवोगाड्रो नंबर नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो डिवाइडेड नंबर। बाय एवोगाड्रो नंबर। बहुत बढ़िया बच्चा, ये था फॉर्मूला कैलकुलेशन ऑफ मोल। उसके बाद देखे थे बेटा क्या? एप्लीकेशन ऑफ मोल, ये टॉपिक था हमारा, ये आज स्टार्ट होने वाला है ना? यस एप्लीकेशन ऑफ मोल फॉर्मूला पिछले लेक्चर में बता दिए थे, आज भी बता देते हैं। तो क्या क्या फॉर्मूला बेटा इन द कैलकुलेशन ऑफ नंबर फर्स्ट ऑफ एप्लीकेशन मॉल बेटा? हाँ, नंबर ऑफ मॉल वेरी गुड। इन द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना, एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है बच्चा? तो क्या क्या फॉर्मूला था बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से फाइंड आउट करने का? मोल इनटू नंबर एवोगाड्रो ऑफ नंबर। मॉलिक्यूल्स, हाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा? मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर रहता होना चाहिए फॉर्मूला। एन ए मतलब एवोगाड्रो नंबर। नंबर ऑफ एटम इक्वल टू व्हाट बेटा? मोल इनटू मोल इनटू एवोगाड्रो एवोगाड्रो नंबर नंबर इनटू एटॉम्स। हाँ, इनटू एटॉमिसिटी। थर्ड फॉर्मूला क्या था बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड। मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा बेटा? मोल इनटू मोल एवोगाड्रो एवोगाड्रो नंबर इनटू नंबर ऑफ नंबर इलेक्ट्रॉन। इनटू
यही था बेटा। तो नए बच्चे लोग यहाँ पे कुछ सिंबल दिख रहा होगा तो कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, सबसे पहले वेयर करके नोट कर लेते हैं। तो पहला एन ए, एन ए क्या बेटा? एवोगैड्रोस नंबर, वैल्यू 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन पी प्लस क्या बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। एन एन नॉट मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कुछ बड़ा चीजें नहीं पढ़ाते, इतने से काम हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ मोल का, ठीक है? तो हो जाएगा याद फॉर्मूले बेटा? Yes, नए स्टूडेंट लोग को बोल रहा हूँ। और उसके बाद एप्लीकेशन मोल का फॉर्मूला, तो जल्दी से फटाक से नोट कर डालो, तब तक हम क्वेश्चन बनाते हैं। अच्छा, एटॉमिसिटी क्या? ये भी एक नया, नए बच्चे लोगों को दिक्कत वाली बात हो सकता है। एटॉमिसिटी क्या होता है बेटा? एटॉमिसिटी टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल, जैसे CH4। तो एटॉमिसिटी कितना होगा? कितने एटम है बेटा? 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, ठीक है ना? N2 कितने एटम है बेटा? 2, ठीक है ना? N2O5 कितने एटम है बेटा? 7। तो एटॉमिसिटी क्लियर है? यस। तो जल्दी से नोट करो, क्वेश्चन देते हैं आज। जल्दी से नोट कर लो बच्चा सब लोग। बेटा सबको बोर्ड ब्लर दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर, क्लियर दिख रहा है। बेटा सुजल, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है बच्चा। हमको तो ऐसा लग रहा आज ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है वो, है ना? हाँ सर। यस सर। यस। रब करो बच्चा लो। एक मिनट। नोट कर लो आराम से करो। तो फॉर्मूला याद रखना बेटा, नए स्टूडेंट खास करके। तारिका हो गई, नेहा हो गई, बेटा आप लोग को ही बोल रहे हैं, और अदिति। फिर आप फॉर्मूले से ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। Thank you.
हो गया बच्चा लोग नोट डाउन? यस सर यस सर Number of molecule in 1.7 gram NH3. Number of atoms in 32 gram CH4. Number of electron, proton, बेटा माइक म्यूट कर लो, इन 1.8 ग्राम वाटर। सॉल्व करते जाओ बच्चा लो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 44.8 लीटर इनटू गैस। तो मॉलिक्यूल्स के लिए क्या फॉर्मूला है बेटा? नंबर ऑफ मोल। मोल कैसे निकालते हैं? वेट गिवन है तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो जो नए बच्चे हैं नेहा, सारेखा और अदिति, देखो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा NH3 का। MnH3 कैसे होगा बेटा? कितने नाइट्रोजन है? समेशन ऑफ एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या किया जाता है? समेशन ऑफ एटॉमिक मास। कितने नाइट्रोजन है? 1, 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा, बोलो? NH3 में 1 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, कितना होता बेटा? 14। हाइड्रोजन है इतना, 17 ग्राम पर मोल। क्लियर है बेटा? सारेखा, नेहा एंड अदिति, यस सर। समझ में? मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्लियर है? चलो सॉल्व करो। तो हर एक एटम के मास को प्लस कर दोगे जो उस मॉलिक्यूल्स में होगा। सारे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करो बच्चा लो। माइक म्यूट करो लेकिन तुम लोग की आवाज सुनाई देगी मुझे, ठीक है ना? जीरो पॉइंट वन बेटा इकट्ठे पूरा डिस्कस करेंगे, आप बना के रखो, ठीक है ना? आमिन सिद्दीकी कंप्लीटेड, वेरी गुड बेटा। दीप, दीप ने भी पूरा बना लिया। बाकी लोग भी जल्दी कंप्लीट करो बेटा। देखते हैं सारिका, नेहा और अदिति में फर्स्ट डे में कौन बना के रखता है।
हो गया बच्चा लोग पूरे लोग का सॉल्व? यस सर। चलो फिर डिस्कस करो ना। नोट कर लो बच्चा लोग। जल्दी से नोट डाउन कर लो बच्चा लोग।